नमस्कार आपण मानू अनेक अनेक स्वागत आम आज सासूबोहू स्पेशल थाली को जानते तो संडे स्पेशल आम सब नहीं आसू आपण गोटे कि नुआ ब्रेकफास्ट ऑप्शन इटा को नुआ रेसिपी तो मुझे कहबिनी किंतु किसी फूड फ्यूजन सहित कारण जदि आम से नेचुरल जिनस जोटा खाई चलचा टिके ट्विस्ट देके बनवा ना ताहले आम घर लोक भी बहुत भल लगे आमको भी गोटे नुआ प्रकार सैटिस्फैक्शन मिल कि हाँ आज मुझे नुआ शिखिली किसी नुआ बनइली तो से मुझे सब बेले किसी ना कि नुआ बनवाई चेस्टा करी चले बो तो आमर ट्रेडिशनल रेसिपी एक्सपर्ट तांकठू जो जो टिप्स निए से सबू नहीं ता सहित आउ किसी फ्यूजन करके मुझे संडे ब्रेकफास्ट थाली नहीं आसे। तो आज संडे ब्रेकफास्ट थाली आपको आसची मस्क मिलन पंच जोटा कि आमर फुटी काकुड़ी सहित भी आप सेम एक्सपेरिमेंट करें आउ मस्क मिलन पंच बनवाई ना आमको अल्प ड्राई फ्रुट्स दरकार आहित आउ कौन कौन पड़ी से आगे को देखेबी नॉर्मल जूस जमी बने से जूस पड़ी किंतु टिके ट्विस्ट आउ ता सहित नहीं आसची पोहा जोटा को आम चूड़ा उपमा भी कही था आउ पोहा रे मेन जिनस हूँ कि जदि आम पोहा को प्रॉपर्ली झुरा झुरा न बनवा आउ भल भाव में मेंचा न होबार अच्छी से जिनस तो ये सब जिनस को ध्यान दे जदि पोहा बनवा निश्चय आम पोहा बहुत सुंदर लगे आ सहित टेस्टी केमती बनवे तार टिप्स भी मुझे आसची आ सहित नहीं आसची आज गोटे प्रकार लड्डू जोटा आपको छुआ मानक भी आप टिफिन दे पारे और बहुत टेस्टी लगे ता सहित देखा भी सुंदर आ बनवा खूब इजी एटा हमें बनवा आज ब्रेड रे ब्रेड और बिस्कुट को यूज करें ब्रेड और बिस्कुट ना सुनले छुआ मैंने तो केवे मना करेंगे खायापी तो ब्रेड बिस्कुट को यूज करके आम आज बनाऊे गोटे प्रकार लड्डू आ सहित फ्रूट पंच आउ पोहा चलत ये सब इंटरेस्टिंग रेसिपी स्टार्ट करवा ता पूर्व प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करदे जदि आम वीडियो भल लगुव निश्चय वीडियो को लाइक करदे आपण सांग मान सहित शेयर करदे आउ क्लिक करदे बेल बटन टी जो आमर प्रत्येक रेसिपी रो नोटिफिकेशन आपको प्रथम पहुँची जाए चलो स्टार्ट करवा आमर आज रेसिपी फर्स्ट हमें स्टार्ट करवा लड्डू बनइबारू कारण लड्डूटा तो आम बन रखीदा से बहुत समय पर्यंत रण पोहा जब आम आगे बनईदबा ताहले ये सब जिनस बनऊ बनऊ पोहाटा सुखीज आ खावा को टेस्टी भी लगे तो फर्स्ट आम लड्डू बनइबा मस्मिलन पंच बनवा बनवा पोहा तो यहाँ कि आमको ये तीनोटी जिनस दरकार मिल्क मेड आमर जोटा ब्रेड आउ बिस्कुट ब्रेड तो देखिक भावुवे किमती कटिंग कौन होक्चुअली मो झी कौन करे ना यू मझीरू काटि काटि कटोरी नहीं जाए आई पार्टा को से पकई दिए कहीं से सैड गुड़ा खाइबन तार मझीटा नहीं कि सैंडविच बनाए कि किसी भी बनाए आ खाए तो से पार्ट को मुझ यूज करके पुणी लड्डू बनई दिए आ रियलाइज भी करें आ खाए जदि आपण पाखे फ्रेश फुल ब्रेड अच्छे फुल ब्रेड को यूज करेंगे मु कट पीस को सब यूज करी आज लड्डू प्रिपेयर कर सहित मैरीगोल्ड बिस्किट आपण पाखे जो प्लेन बिस्किट अच्छी सॉल्टेड बिस्किट को छाड़ी बाकी जहाँ भी प्लेन बिस्कुट अच्छी जमी गुड्डे हो गला कि जो भी प्लेन बिस्कुट है से सब को यूज करेंगे करमती छोट छोट गुंड कला भाया पकईदबा किसी भाजवा दरकार नहीं कि किसी भी दरकार नहीं ताको गुंड कला भाया पकईदबा आउ बिस्कुट को भी मझे मझे एमती भांगिकी छोट छोट पीसेस करके पकई चलवा यही दुईटा को आम ए ग्राइंड करदबा ग्राइंड करी पाउडर बनईदबा मुझे 8-10टी बिस्कुट नहीं आउ ब्रेड जदि अनुमान कहे तो मुझे 7-8टी ब्रेड्र कट पीस नहीं तो से हिसाब से क्वांटिटी आमर एडजस्ट करेंगे जदि आप फुल ब्रेड नौ 4टा ब्रेड को 8टा बिस्कुट मोर दैन एनफ तो ये आम आपको ग्राइंड करके पाउडर बनईदबा देखो पाउडर तो अलमोस्ट हो जाइए जो छोट छोट खंड भी रही हाथ दल दल चली आम ये पाउडर से बनीगला ब्रेड आउ बिस्कुट्र जदि क्वांटिटी प्रॉपर पकई ना ताहले केबे भी सेना मेंचा हेनी जदि ब्रेड अधिक बिस्कुट कम हो गला कारण हमें ब्रेड को ये भाजने तो डेफिनेटली से जगार से मॉइस्चर टिके टिके थाए ना ब्रेड रे तो से जगार से मेंचा भाया हो भल भी बनबनी तो ये भाव में आम ट्रांसफर करदबा बाउल को देखो କୋଉ ଭଳିଆ ଫାଇନ୍ ପାଉଡର ହେଇ ଯାଇଛି ସେ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଚିନି ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ଚିନିର ଭାଗ ଅଲରେଡ଼ି ବିସ୍କୁଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱିଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଥିବ ତ ଏମିତିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିନି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ମିଠା ଭାଗ ବହୁତ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଚିନି ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଚୁନା ଚୁନା କରିକି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଉଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇବେନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ଅଳ୍ପ ପକେଇକି ତାକୁ ମିଶାଇବେ। ଯଦି ମୁଠା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ତାର ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ମୁଠା ନ ହେଉଛି ଝୁରା ଝୁରା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଦେବେ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ କେବେ ପକେଇବେନି। କାରଣ ବିସ୍କୁଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପ୍ରପର୍ ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେଠି ପାଣିଆ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଦେଇଥିଲି ବାସ୍ ସେତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ମୋର ଏଇଟା ମୁଠି ବନି ଯାଉଛି, ତା ମାନେ ଲଡ଼ୁର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଅଧିକ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୋର ଏଠି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ରୁ ମୁଁ ଲଗଭଗ 6 ରୁ 7 ଚାମଚ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ତ ସେତିକିରେ ମୋର ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିକିରି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। କେବେ ବି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି ଏଇ ରେସିପିରେ, କାରଣ ବ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବ୍ରେଡ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ସେଟା କେତେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଖାଇବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଲଡ଼ୁ ବନେଇଦେବା। एटा हूँ आमर बेसिक लड़ू। आधे जदि आप ड्राई फ्रुट्स पकड़ चाहिए पकई पारे, खजूरी टी पकड़ा चाहिए पकई पारे, आदि घी देके हाथ में पुणी आउटे चिकन करके गोल करा चाहिए सेटा भी करें। मुझ बस गोटे बेसिक लड्डू बनई जोटा 5 ରୁ 10 मिनिट तैयार करके आप छुआ को टिफिन में दे पारे कि सकाल जलखिया गोटे मिठा जिनसटा दे पारे, जोटा बहुत भल लगे। तो यहाँ खाली आमर 3टा जिनस को यूज कले आम आ बनइले। आउे चलतु बनइबा फ्रूट पंच। ये जो मस्कमेलन को एमती मझीरू काटिदेबा, तापर मंजीटा आम यूज करें तो मंजीटा को आम काढ़ी नवा, काढ़ी फिंगी दबा। से भाया ये पटर भी मु काढ़ी दूसरी मंजी गुड़ाक। एबे आकु ये आम बाहर करनवा तादरू सब पल्प गुड़ाक। खरा दिन रे आर जूस हो कि आर जो मु फ्रूट पंच आज बनाऊँगी जमतीका मस्कमेलन पंचटा, तो दुईटा जाक बहुत टेस्टी लगे। आम ओडार तो आम फुटी काकुड़ी बोली कहू, तो बाहर जगार मस्कमेलन। तो आर सबू पल्पुड़ा एमती बाहर करके ताकु मु ग्राइंड करनेबी। ये जिनसटा को ना गोटे बहुत भल जिनस बनवाक जाऊँगी, जोटा आपण को आगक देखेबी, से मुझे क्लीन करके सेव करुच्ची। आई सबुरे आम बनइबा नेक्स्ट आमर जहाँ फ्रूट पंच बनवाक जाए। ग्राइंड करदेवी, बहुत फाइन भी दरकार नहीं, अल्प टिके दरदरा ग्राइंड करदबा। होगा आमर ग्राइंडिंग। तापरे आपको मु अलगा करी आगे रखी दूची, परे पंच केमती बनेबा सेटा देखैबी। चलंतु पोहा बने दबा। एबे हमें पोहार प्रस्तुति कर दबा। पोहारे कौन फर्स्ट जिनस होची बादाम, बादाम जोटा बहुत वाइडली यूज हुए पोहारे। आउ सेतिबे हमें फर्स्ट तेल रे कोन करबा, एठी मु तेल नै जाईची पोहा हिसाब रे बादाम भाजीबा हिसाब रे। तो गोटे मुठा बादाम को मु भाजी नेबी तेल रे। बादाम भजा हो गला, आपको बाहर करके रखी नवा। तापरे नेक्स्ट प्रोसेस कर पोहार पूर्व प्रस्तुति रे आपको केवल बादाम दरकार, टमाटो टिके काटिक रखिबे और प्याज टिके काटिक रखिबे। एबे कड़ाई ताती जाईची तो हमें सोरिष टिके पके देबा। एबे सोरस फुटी गला, कड़ी पत्ता पकईदेबा, ता सहित कंचा लंका। देखिए केत छोट छोट कर काटिकी पिज रखाई पकईदेव कड़े को ये मु गोटे गिना पोहा नहीं जदि आमर दुई रु तीन जन लोकों मात्र गोटे गिना पोहा इनफ हम पोहा को सॉफ्ट केमती करेंगे आपको बता देखो सबुबले सब चूड़ा को तो आम धो ही दो गोटे जाली जगार सब धोईदे भल भाव धोई सारापर बेसी समय एमती ओदा रखे सांगे सांग जाली जगार धोईले पाटा निगड़गला आम तो एमती रखीदबा ता ऊपर ही लुण हलदी आउ चीनी पकेबा एथरे मु गोटे चमच लुण गोटे चमच चीनी आउ आधा चमच हलदी गुंड दउची ए सब को एई टाइम रे ही हमको गोळे दबार अछि जदि हमें परे गोळेबा केबे भी पोहारा से जो गोटे कलर आसता है ना सेटा केबे आसीबनी आउ ता सहित तो पोहा मेंचा भी हे जिवो तो एई टाइम रे ही हमको लुण हल्दी आ चीनी सब गोले देले पोहारे पूरा भितर पर्यंत सेटा जीव आम उपमा भी बढ़िया लगे एटा ए रखीदे रेडी करके सेपटे आमर पिज तो होनी आ सहित पिज टमाटो को मिसेक पोहा पकेबा एबे से आम टमाटो को पकेदबा पिज तो आम सफ्ट आउ बेसी टमाटो पिज को हमको भाजबार ना कहीं अधिक भाजी नेले ना से पोहार के भल लगे तो हमको टिके जो सफ्ट है पर्यटन भाजी दबार अच्छी तापरे आम पोहा को पकेबार अच्छी टमाटो पिज तो सफ्ट हो गला आम पोहा भी रेडी देखो एबेठू ही से झुरा झुरा रहा जदि सांगे सांग धोईक पकई था से मेंचा हवा थय थिला कहीं से सबुतक लुण चीनी हल्दी सबको अब्जर्व कर देखे पोहा को पकेदबा ए पकेदबा आम बादाम ताको गोलेला बेले सब एमती करके ही गोलेबे केबे भी जो तरकारी गोलेला भाया गोलेबे एबे से अल्प टिके धनिया पत्र चुनचुर कर रखि धनिया पत्र को पकेदबा तापरे ताको गोले नबा एबे हे गला हम पोहा प्रस्तुत देखंतु जम्मा भी मेंचा हेनी पूरा झुरा झुरा होके रहिची आ कड़े रे भी लागिबोनी एबे गैस फ्लेम को ऑफ कर दबा आ तापरे टिके खट्टा फ्लेवर दबा पई आमे सेथिरे पकेबा लेंबू जोटा कि आम गैस ऑफ करके ही पकेबा केबे भी लेंबू को गैस ऑन थिला भितरे कि गरम थिबा जिनस रे लेंबू पकेबेनी कारण विटामिन सी प्रकृत रे गरम जिनस रे आसिले तार न्यूट्रिशन पूरा पड़े जाए तबे गैस फ्लेम को बंद कर दबा तापर सेतिरे टिके लेंबू चिपुड़ दबा एबे आमे फाळे लेंबू अल्प अधा चिपुड़ीबा एक्चुअली पूरा फाळाटा चिपुड़ देले से खट्टा अंश बेसी आसो तो ये पकईकरी तो गोले दबा गोले सब पोहा को एमती ही यूज करे देखो आपण को यहाँ भाव में पोहा को गोले भी मेंचा हेनी हो गला आम पोहा रेडी एबे मु जाऊँ फ्रूट पंच बनईदेवी आउे एसबू को गरमा गरम सर्व करदेवी बास टिके गोले दबा आउे सर्व करवा आमर फ्रूट पंच यहाँ एक्चुअली बनमती बनब सेमती सर्व करी ना ये जिनस को मुझे गोटे बढ़िया यूज कराया जाऊँगी जिते गोटे नेचुरल फिल दवा को जी कौन सी जिनसर तो जदि तार से जिनस को ही यूज करके देखेबे ताहले सेटा गोटे नेचुरल फिल हम तो यहीटा को ही आम एमती भाव में बाउल भाया रखिले आ भर तो मुझे क्लीन करी ता भर आम पकेबा आमर मस्मिलन को तापरे मो पाखे अच्छी अमूल फ्रेश क्रीम जदि नपण पाखे ताहले सर टिके भी ग्राइंड करके से देवे जोटा देले भी भल लगे ताऊपर आमे पकेबा मन भरिके ड्राई फ्रुट्स। ड्राई फ्रुट्स दबार एथिरे बिल्कुल भी कंजूसी करिवेनी। एबे सेथिरे चेरी गोटे देकरी आम सर्विंग को कंप्लीट करिवे। दिसछि ना बहुत इंटरेस्टिंग। देखंतु प्रस्तुत हे गला हमर आजिर थाली। सेथिरे अछि हेल्दी, बहुत सुपर हेल्दी पोहा, ता सहित गोटे लड्डू जोटा छुआ मानक भी भल लागिबो, बड़ मानक भी भल लागिबो, आउ गोटे फ्रूट रो मु बनैछि पंच। तो एटा हमर मस्कुलन पंच बनछि, बहुत सिंपल वे रे सब किछि रेसिपी बनछि। आशा आपन मानक बहुत भल लागिबो। आ जदि भल लगिला निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, आपनकर वैल्यूएबल कमेंट्स हमको देबे। हमको आपन का कमेंट्स पढ़ी बहुत भल लागुछि। ताहले आज पई रहिली, नमस्कार।